मुंबई सटे मीरा भाईंदर पुलिस को जल्द ही तकनीक और जिम की सुविधाओं से लैस एक इमारत मिलने जा रही है। आपको बता दें कि इसका भूमि पूजन किया है भाजपा के पूर्व सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय में तैनात पुलिसकर्मियों को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुउद्देशी इमारत का निर्माण होगा। इस इमारत में तकनीक और जिम से जुड़ी कई सामग्रियां उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि इस इमारत का निर्माण मीरा रोड के बेवरली पार्क इलाके में किया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले राज्यसभा के पूर्व सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे के हाथों इसका भूमि पूजन किया गया। तकनीकी सुविधाओं से लैस इमारत के निर्माण के अलावा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साइकिलिंग ट्रैक और ओपन जिम का भी निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन के अवसर पर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त सदानंद दाते, स्थानीय विधायक गीता जैन और प्रताप सरनाइक, इसके अलावा मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारे जो भाई बहन है उनकी खुशहाली ये भी हमारा दायित्व बनता है और इसलिए जैसे हमारे मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए तो उनके खुशहाली की भी चिंता होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से इस तरीके का प्रयास अगर यहाँ के आयुक्तालय ने सोचा है और मुख्य रूप में आयुक्त दाते जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है तो उनको जितना हो सके सहयोग करना हम सबका काम बनता है। इसलिए एक छोटा सा प्रयास तो एक छोटा सा प्रयास हमने अपने सांसद निधि के द्वारा किया है। मैं मानता हूं कि ये हमारे पुलिस भाई बहनों के लिए लाभकारी होगा और उनके जीवन की गुणवत्ता का स्तर भी बढ़ेगा। सर आपने लाइब्रेरी बनाने के लिए भी एक यहाँ पर आश्वासन दिया, किस तरह का आश्वासन? सदर कार्यक्रम करता उपस्थित रहे सर्व आमंत्रित पत्रकार आवर्जून इथे उपस्थित रहे सर्वांचे देखील आभार। नहीं, ऐसा है कि पुलिस भाई बहनों में भी बड़ी प्रतिभा होती है। ऐसा नहीं कि वो केवल कानून और व्यवस्था की चिंता करते हैं, तो उनकी प्रतिभा का पोषण हो इसलिए जरूरी है कि उनके लिए सांस्कृतिक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा अनुरोध किया कि आप यहाँ एक ग्रंथालय भी बनाइए और शुरुआती दौर में जो हजार एक किताबें लगेगी हम कहीं से उपलब्ध करा दें।